स्वामी भक्ति देवा नारायण गौ स्वामी महाराज जी ने और महाराज जी का जन्म भारतवर्ष में तिवारीपुर गांव जो गंगा नदी के तट के समीप है पर हुआ और उसी स्थान पर भगवान रामचंद्र जी तारिका राक्षसी का वध किया था। महाराज जी का जन्म फरवरी अमावस्या को 1921 में एक बहुत ही प्रचलित परिवार त्रिवेणी ब्राह्मण परिवार में हुआ। महाराज जी के गुरु हैं गुरु जगत गुरु श्री श्रीमद भक्ति प्रज्ञा केशव जी महाराज। महाराज जी के गुरु भाई हैं स्वामी प्रभुपद। महाराज जी अपने गुरु जी के साथ भारतवर्ष में कई वर्षों तक भ्रमण किए और भगवद गीता और धर्म प्रचार किए। फिलहाल महाराज जी विदेश में भ्रमण करते हुए यहाँ पर पधारेंगे और महाराज जी खुद कई धार्मिक ग्रंथ लिख चुके हैं जिनको हमारे समझ में पेश किए हैं। महाराज जी मैं श्री सनातन धर्म प्रतिनिधि सभा पीढ़ी की ओर से आपको अपने दिन में हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ। साथ में आपके जितने भी शिक्षक हैं उनका भी हार्दिक हार्दिक स्वागत है और मैं जानता हूँ कि आपकी प्रार्थना से हमारे जो हिंदू समाज है जो सनातन जनता है देश में अवश्य बहुत ही कुछ ज्ञान प्राप्त करेंगे। वैसे तो जब से हमारे पूर्वज देश में आए हम अपनी संस्कृति सभ्यता को लेकर चल रहे हैं मगर ये तो मानी हुई बात है कि भारत वर्ष से आए लगभग 120 वर्ष हो चुका है और कई ऐसी बातें हैं जिनको हम भूल गए हैं और आप जैसे महान आत्माओं का प्रसार करने से हमको ज्ञान मिलेगा और हम जो शायद मार्ग को छोड़ चुके हैं या कुछ गलत मार्ग पर जा चुके हैं हम सही मार्ग पर आने की कृपा करेंगे। जैसा कि सनातन धर्म के सभापति ने कहा मैं भारतवर्ष के प्रसिद्ध स्थान वृंदावन मथुरा से आया हूं। मैं कोई विदेश में नहीं आया मैं तो अपने ही देश में अपने भाइयों के यहां आया हूं। इन्होंने जो हम लोगों का स्वागत किया ये बहुत ही धन्यवाद के पात्र हैं। हम लोगों को यहाँ आने का सुयोग इन लोगों ने दिया। अभी हम लोग कीर्तन के माध्यम से भगवान की प्रार्थना कर और तब अपना वक्तव्य हम संक्षेप में बतलाएंगे। अभी हम लोग कीर्तन से प्रारंभ कर रहे हैं। बलिया
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.
Oh, yeah.
वैष्णवेभ्यो नमो नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरविशे नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै तदालयै कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मेतया तर्वोभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि तवैवास्मि तवैवास्मि न जिमामि तया विना इति विज्ञाय राधे तं नय माम चरणं। मैं सबसे पहले अपने परमार्थिक गुरु नित्य लीला प्रविष्ट हूं विष्णुवाद अष्टोत्तर सत श्रीमद भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में अनंत कोटि सष्टांग दंडवत प्रणति ज्ञापन करता हूं। तत्पश्चात अपने शिक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्ट हूं विष्णुपाद शिशुन भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी के चरणों में भी अपनी प्रणति पुष्पांजलि अर्पित करता हूं। तत्पश्चात मैं यहाँ के सनातन धर्म सभा के सभापति और उसके समस्त सदस्य वर्गों का मैं आभार प्रकट करता हूँ जिन्होंने सादर पूर्वक इस स्थान में हमें आदर पूर्वक बुलाया, स्वागत किया और कुछ हमारे सनातन धर्म के संबंध में कुछ जानने के लिए कुछ बतलाने के लिए हमसे आग्रह किया, इसलिए मैं आभार प्रकट करता हूं।
बड़ी खुशी की बात है कि हम यहाँ नादी में यहाँ के साधारण जनता के सामने, विशेष करके हिंदू जनता के समक्ष कुछ बोलने का प्रयास करना। यद्यपि संख्या की दृष्टि से बहुत नगण्य है, किंतु मैं इसको बहुत अधिक मान रहा हूं। मैं बहुत संतुष्ट हूं। जितने आदमी आए हैं, हमको तो आशा नहीं थी कि इतने आदमी पहले दिन आएंगे, किंतु मैं खुश हूं। यदि हरि कथा सुनने में यदि एक आदमी भी सुनता है, यदि वो भी नहीं सुने, यदि पेड़ पौधे लता गुल्म भगवान का नाम सुनते हैं, तो उनका भी कल्याण हो जाता है। हमारा सनातन धर्म ही इतना उदार है। ये हमारा सनातन धर्म इतना उदार है कि आप लोग सुन करके दंग रह जाएंगे, किंतु हम लोगों ने उसे बहुत संकुचित और सीमाबद्ध बना रखा है। हमारे सनातन धर्म में इसीलिए इसका नाम हिंदू धर्म, बुद्ध धर्म, क्रिश्चियन धर्म या और धर्म न रख करके सनातन धर्म रखा गया। हमारे गीता में कहीं भी संकुचित प्रवृत्ति नहीं आई है। रामायण में, वाल्मीकि रामायण इत्यादि में, तुलसीकृत रामायण में या कहीं भी गीता में, भागवत में, कहीं भी संकुचित दृष्टि से सीमाबद्ध विचार नहीं किया गया। इस चीज को समझना चाहिए। पहले सनातन माने होता क्या है? सनातन माने जिसका आदि नहीं है, अंत नहीं है, सीमाबद्ध नहीं है, किसी जगत के काल के अंतर्गत इसकी सृष्टि नहीं हुई, जिसका जन्म नहीं है, मरण नहीं है, सदा काल से है, सदा काल तक रहेगा, इसका नाम है सनातन। जिस चीज की पैदाइश हुई, जिसका जन्म हुआ, वो सनातन नहीं हो सकता है। इस चीज को समझना चाहिए। इसलिए हमारा सनातन धर्म शरीर से जिसका जन्म है, मरण है, इससे संबंधित नहीं है। ये सनातन वस्तुओं से संबंधित है। वो है क्या? जिससे इस जगत की सृष्टि, स्थिति, प्रलय हुआ, जो समस्त विश्व का आदि है, सबका नियंता है, वो एक सनातन है। उसकी कभी मृत्यु नहीं होती, उसका जन्म नहीं होता, जिसका आदि नहीं है, अंत नहीं है, सब समय एक रस है। जिन चीजों को हम देखते हैं इस संसार में, अनुभव करते हैं अपनी बुद्धि से, आंखों से देखते हैं, इंद्रियों से देखते हैं, वो कभी भी सनातन नहीं है। जिसका जन्म है वो सनातन कैसे हो सकता है? इसलिए भगवान का जन्म नहीं है, उनका मरण भी नहीं है, उनका आदि नहीं है, अंत नहीं है, इसलिए उनको भगवान कहते हैं, ब्रह्म कहते हैं, उनको कहते हैं जिससे ये सब कुछ निकला है। सत एव सम्यक इदम आग्र आशीत, सत सब समय वर्तमान है, इदम अग्र आशीत, ये जगत के होने से पहले ही वो है, अभी भी रहेगा, अभी भी वर्तमान है, अंत में भी रहेगा, इसलिए वो सत है। इसलिए गीता में कृष्ण ने स्वयं कहा, क्या कहा अर्जुन को,
अरे अर्जुन, तुम ये सोच रहा है कि हम लोग अभी हैं और फिर मर जाएंगे, कुल धर्म नष्ट हो जाएगा, यह गलत बात। तुम पहले नहीं थे, हम पहले नहीं थे, ये राजा लोग नहीं थे, अब हैं फिर नहीं रहेंगे, ये गलत बात ना? ऐसा नहीं, इसलिए बात लाया, अव्यक्तो अयम अचिंत्योम अभिकार्यो अहम नित्य स्थान रचलो अयम सनातन, वो सनातन है गीता में बतलाया, कृष्ण स्वयं कह रहे हैं, इसलिए वो सनातन है। ये आत्मा सनातन है, जो ये शरीर के अंदर में आत्मा है, शरीर तो जन्म लिया मर जाएगा, किंतु इसके अंदर जो आत्मा है वो भगवान का पार्ट एंड पार्सल है। ममई मंसो जीव लोके जीव भूतक सनातन, सनातन कौन है? शरीर नहीं, शरीर के अंदर में, इस पिंजड़े के अंदर में, इस कपड़े के अंदर में जो है वो सनातन है। शरीर नहीं है, ये तो क्षित जल पाव गगन समीरा पंच रचित यह अदम शरीरा, ये तो मिट्टी जल वायु आभाव आकाश का विशेष करके मट्टी का बना है, मट्टी में मिल जाएगा, ये सनातन नहीं है। सनातन क्या है? इसके अंदर में जो आत्मा है वो, उसके लिए कहते हैं ममई वांसो, वो मेरा अंश है। ईश्वर अंश जीव विनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि, वो भगवान का अंश है, भगवान नित्य सनातन है। पहले मैंने बतलाया, एक साधारण देखिए शब्द गॉड, गॉड मैंने क्या, जी ओ डी जनरेटर, जी ओ ऑपरेटर, डी डिस्ट्रक्टर, जो करता है वो ब्रह्म है, इसलिए वो सनातन है, उसका आदि अंत नहीं है, और उसी का अंश जो इस जगत में ये शरीर में व्याप्त है, ये सनातन है। हम लोग सनातन हैं, किंतु अभी हमने क्या मान रखा है, भूल से मान रखा है कि यही शरीर में हूं, और शरीर को ही सनातन मान रहे हैं, और इसके धर्म को सनातन मानते हैं, ये गलत है ना? ये नहीं, किंतु जिस शरीर में रह करके सनातन धर्म का हम पालन करते हैं उसको भी बहुत दूर से सनातन कहा जा सकता है, इसलिए इसको सनातन, हिंदू धर्म को भी सनातन धर्म इसीलिए कहा गया कि हिंदू धर्म में जितनी भी मान्यताएं हैं वो इस सनातन को लक्ष्य करके, जो गीता को मानते हैं, भागवत को मानते हैं, वेदों को मानते हैं, उपनिषदों को मानते हैं, रामायण को मानते हैं, वो लोग सनातन हैं, किंतु इसका गलत अर्थ कर लेते हैं, कुछ लोग सीमाबद्ध अर्थ कर लेते हैं, इसलिए उनका विचार बहुत दूर से ठीक हो सकता है किंतु ठीक नहीं है। जो लोग शरीर को सनातन मानते हैं तो वो कैसे सनातन हो सकते हैं, बतलाइए, जब शरीर ही नष्ट हो जाएगा तो इसका धर्म कैसे हो जाएगा सनातन? इसलिए जो कभी भी नष्ट नहीं होता वो कौन है? परब्रह्म है, जिसे जगत की सृष्टि स्थिति प्रलय होता है, जिनका जन्म आदि अंत नहीं है, वो तो एक ब्रह्म सनातन। और दूसरा कौन? ये जितने भी जीव है, प्राणी है संसार में, जिनमें चेतनता है, जिसमें स्वतंत्र इच्छा शक्ति और सुख दुख की अनुभूति है, वो चेतन है, वो सभी भगवान के दास हैं, चाहे माने और न माने, सभी भगवान के दास हैं, यहां तक कि पेड़ पौधे, गुल्म, मछली, घोड़े, गधे, सूकर, मनुष्य, पहाड़, पर्वत, इनमें भी प्राण है, नदियां इनमें भी प्राण है, वृक्षों में प्राण है,
पशुओं में प्राण है, वहां तक जिसने भी उसके अंदर में चेतनता, वो एक जाति है, सभी भगवान के अंश हैं। इन दिनों में जो संबंध है वो भी नित्य है। वो संबंध क्या है? वो संबंध क्या है? प्रीति का संबंध। जब हम भगवान के अंश हैं, उनके दास हैं, तो उस भगवान के साथ में हमारा संबंध होना चाहिए। क्या संबंध? प्रेम का संबंध। उसी प्रेम को, संबंध को भूल करके हम क्या कर रहे हैं? ये मेरी स्त्री है, मेरे बेटा है, ये बेटी है, ये मेरा कुत्ता है, ये दूसरे का कुत्ता है, ये मेरी जमीन है, जायदाद है, ये दूसरों का है, ये मेरा बेटा है और वो दूसरा। भले ही बेटा पिता माता को नहीं मानता तो भी वो मेरा बेटा है। घर हमारा, यद्यपि हमारा जन्म भी वहां नहीं है, तो भी उसको घर मान लेते हैं। ये सब सनातन धर्म नहीं है। इसलिए दोनों के प्रति, भगवान और जीव के बीच में जो संबंध, रिलेशन है, वह सनातन है। कृष्ण ने इसी का उपदेश दिया। क्या कहा? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। ये संसार के, दुनियादारी के जो धर्म है सब छोड़ो, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम, हमारा तुम्हारा जो संबंध है इसको याद करो। तुम शरीर नहीं है, जीवात्मा है, इस चीज को समझो। तुम भगवान को भूलने के वजह से अभी इस शरीर के चक्कर में, जन्म मरण के चक्कर में और दुख में तू पड़ा हुआ है, इस चीज को समझो। इसलिए जब तक नहीं छोड़ेगा तब तक होगा क्या? कृष्ण ने कहा, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु अवश्य संभव है। जातस्य ही ध्रुव मृत्यु, जातस्य ही, जात में जिसका जन्म, ध्रुव मृत्यु, शरीर को छोड़ देना पड़ेगा। ध्रुव जन्म मृत्यस्य च, और जिसका जब मृत्यु हो गया उसका जन्म भी निश्चित है। जब तक कि उस भगवान को रियलाइज न कर ले, समझ न ले, मैं कौन हूं, मैं आत्मा हूं, नित्य हूं, सनातन हूं, मैंने भगवान को भूल गया और उनके भूलने की वजह से मैंने गधे के रूप में, सुकर के रूप में, घोड़े के रूप में, मनुष्य के रूप में हमने जन्म, हमारा जन्म कहीं पृथ्वी के एक छोर में हुआ। हमने कहा जी हम तो रशियन हैं, हम इंग्लैंड के रहने वाले हैं, हम अमेरिका के रहने वाले हैं, हम कनाडा के रहने वाले हैं, हम फिजी के रहने वाले हैं, हम यहां के रहने वाले हैं। अरे है कौन तू, है कौन? ये जगत भी एक दिन ध्वंस हो जाएगा, इसलिए ये भी सनातन नहीं है। शरीर भी ध्वंस, इसके अंदर में जो आत्मा है और इसके अंदर में परमात्मा भी है, परमात्मा सर्वत्र है, जीवात्मा और परमात्मा एक नहीं है। परमात्मा है वो जगत की सृष्टि कर सकता है और हम जगत की सृष्टि कर ले, एक चींटी की टांग तो बना ले, बना सकते हैं। दिन रात को बिल बिलाते हैं, थोड़ा सा धन हो जाता है तो अमेरिका के राष्ट्रपति बन जाते हैं, और अपने माइंड पर कंट्रोल नहीं करके एक लड़की से, ऑफिस गर्ल से भी प्रेम करके क्या हो जाता है? अपने एक माइंड पर कंट्रोल नहीं कर सकते और समझते हैं कि हम दुनिया के सबसे बड़े हैं, जगत को कंट्रोल करेंगे। अरे पहले अपने पर कंट्रोल करो, तो क्या कंट्रोल, पहले अपने तो जानो। इसलिए वह जो रिलेशन संबंध है उसी को कहते हैं रिलेशन का यहां पर धर्म। वो धर्म क्या है? जिस धर्म के द्वारा हम, जो भगवान से भी बिछुड़े हुए हैं अपने अंशी से, उनसे मिल जाए, एक जोग युक्त हो, उसको कहते हैं भक्ति धर्म, या इसी को कहते हैं जो। आजकल जो किसको कहते हैं? ऐसे बैठ जाओ या ऐसे ऐसे हाथ कर दो, दो चार बार उठो बैठो, व्यायाम करो, ये योग है। इसको योग कहा, इसमें किसे किसे योग किया? योग माने क्या? एक और एक तो दो होगा, इसमें योग कहां रहा? कसरत करने से होगा शरीर के, ये तो जितना भी शरीर का कसरत करेगा एक दिन मरेगा जरूर, बूढ़ा होगा,
बुढ़ा हुआ कि नहीं? आप लोग अभी छोटे छोटे नादान नंगे बच्चे होकर के जन्म लिया, आज इस उम्र में और 80 के बस के उम्र में लकड़ी पकड़ करके चले गए, और 100 वर्ष की उम्र में यह शरीर को छोड़ देना पड़ेगा जरूर। अभी शरीर सिर में बाल केश एक काला सफेद हो जाए उसको निकलवा लीजिए लड़के से या किसी से, यदि 10 हो जाएंगे तो क्या करेंगे? बूढ़ा जरूर होना पड़ेगा, मरना जरूर पड़ेगा। ऐसा कोई है जो जन्म लेकर के फिर मरे नहीं? जरूर मरेंगे। इसलिए इसका धर्म सनातन धर्म, इस चीज को पहले समझिए। तो सनातन धर्म उसको कहते हैं जिस योग के द्वारा भगवान और जीव दोनों का मिलन होता है, योग होता है, उसे कहते हैं योग। आजकल योग ऐसे ही योग, चित्त को पहले शरीर का योग, इससे सारी बीमारियां दूर हो जाए। अरे कहां बुढ़ापा दूर हो गया? तुम्हारे दांत निकल आएंगे नए इस योग से, न क्या होगा इस योग से, जब तक थोड़ा सा ठीक रहेगा। गामा पहलवान हिंदी एक था हमारे यहां, विश्व विजय किया और इसके बाद में पंगु हो गया, अपने हाथ से पानी नहीं पी सका। इस योग का क्या तात्पर्य? इसलिए योग है आत्मा के साथ में जिसको हम भूल गए हैं उनसे फिर से योग किया जाए, इसका नाम योग है। ये सनातन धर्म है। अब चलिए आगे, ये योग कहां से आरंभ होता है? बहुत नीचे से आरंभ होता है। कैसे योग होगा? हम बिना कर्म किए रह नहीं सकते। कोई ऐसा संसार में है जो श्वास नहीं लेगा? कोई ऐसा है जो पानी पिए बिना रह जाए? नहीं रह सकता। उसका जीवन भी निर्वाह नहीं हो सकता है बिना कोई परिश्रम के। कोई वाणिज्य करता है, कोई वाणिज्य व्यवसाय करता है, कोई घर का काम करता है, कोई ऑफिस में जाता है, कुछ कुछ करना चाहिए बिना कर्म के। हम यदि कोई कहे जब नहीं कर्म करते वो मिथ्याचारी शब्द। गीता में कृष्ण ने कहा जी मिथ्याचारी। अब हम अपने कर्मों को ऐसे करें जिससे कि भगवान के साथ में योग लगा दें तो हमारा उनसे योग हो जाए। ऐसे कर्मों को जो कि हमारे वेदों में, शास्त्रों में, उपनिषद में, गीता में जगत के लिए हितकारी जो कार्य हैं उनको भगवान के प्रसन्न होने के लिए करो, कर्मों का योग हो गया। इसलिए पहले कर्म योग, कर्म योग के द्वारा चित्त शुद्धि होने के बाद में तो ज्ञान योग आए। ज्ञान योग क्या? ये रिलय, ये अनुभूति होगी कि हम आत्मा हैं इस शरीर, जगत का नियंता प्रभु है, उनके साथ में हमारा संबंध है। इस ज्ञान का नाम है ज्ञान योग। इस ज्ञान के द्वारा हम उनसे मिल सकते हैं, तब वो संसार के प्राणी मात्र के प्रति मैत्री भाव रखता है, नहीं तो रख नहीं सकता। फिजी के जो आदमी है उनमें भी आत्मा है, भारत में रहने वाले का भी है, एक सुअर में भी, गधे में भी आत्मा है, तो वो भी तो प्रभु का अंश है, उसलिए सबके प्रति प्रीति आएगी। ये योग हुआ भगवान के साथ। इसलिए हम लोगों का पहला योग है ये कर्म योग। इस कर्म योग के द्वारा अपने कर्मों को इस तरह से करो, कैसे? यज्ञार्थात कर्मण लोकमनत्र कर्म बंधन तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। भाई कर्मों में आसक्त होकर के मत करो काम, कर्म करना तुम्हारा कर्तव्य है और जगत हितकारी काम करो। अरे पेड़ पौधे अपने लिए जीवित रहते हैं कि दूसरों के लिए? देखो तो पेड़ की जड़, पेड़ का छाल, पेड़ की लकड़ी, पेड़ के पत्ते, पेड़ के फूल, पेड़ के फल, यह सब किसके लिए होते हैं? अपने लिए करता है वो, ना दूसरों के लिए। ऐसे तुम भी बनो, तुम्हारे कर्म हो लोगों के लिए हितकारी हो तो इसको कर्म कहेंगे। किंतु ऐसा भी गीता में नहीं कहा करने के लिए, कहा मदर्थ भगवान के लिए करो। मैं तुम्हारा हूं, आप प्रसन्न हो जिससे कि हमारा आपका योग जाग्रत हो सके, ऐसे कर्म को कर्म योग कहेंगे। ऐसा करने से क्या होगा?
हमारी बुद्धि निर्मल होगी, महाराज जनक के समान पांडवों के समान हमारी बुद्धि होगी और जगत के हितकारी कर्मों को करते हुए भी भगवान के साथ में जो कूद रहे, ऐसा करने से तत्व ज्ञान होगा। मैं आत्मा हूं, भगवान का नित्य दास हूं, यह तत्व ज्ञान है। इस तत्व ज्ञान से क्या होगा, भगवान के प्रति भक्ति होगी, ये भक्ति योग है, यही योग है। योग एक है, पहले कर्म योग उसका नाम, इसके बाद में ज्ञान योग, तीसरा सोपान है भक्ति योग। जब तीसरा सोपान आता है इसी को कहते हैं प्रेम योग। इस प्रेम के होते ही भगवान के साथ में साक्षात्कार उनका दर्शन होता है, उनसे योग युग होता है, जन्म मरण सदा के लिए दूर हो जाता है, यहाँ तक कि वृद्धावस्था इत्यादि सब दुख सदा के लिए दूर हो जाते हैं, नित्य जगत में हम प्रवेश करके उनकी सेवा कर सकते हैं। ये इसका नाम है प्रेम योग। अब इस चीज को और साधारण रूप में समझने की चेष्टा करें ना? अब कह रहे हैं कि देखो भाई, जिस तरह से ईंट है, दो ईंट को जोड़ना है, कैसे जोड़ेंगे, मिट्टी कोई कच्ची मिट्टी से पानी से भिगो करके उसको बना करके गीलावा उनको जोड़ो, सीमेंट से उसको जोड़ो, और भी दूसरे उपाय तब जुटेगा। ऐसे ही भगवान के साथ में हम जुड़ेंगे कैसे, इसी प्रेमा भक्ति के द्वारा जुड़ सकते हैं, तब हमारा ये जन्म मरण का प्रवाह सदा के लिए दूर हो जाएगा, सनातन धर्म में हम प्रवेश कर सकेंगे। इसलिए शरीर रहते हुए हम जब उस परमात्मा के लिए कार्य करते हैं तब तो भाई वो सनातन धर्म है, और जब इस शरीर के लिए सब कुछ करते हैं वो सनातन धर्म कदापि नहीं है। किंतु शरीर में रहते हुए भी अपने तन से मचन मन से वचन से जो कार्य करते हैं वो प्रभु के लिए करें, तब तो भाई वो हो जाएगा कुछ सनातन धर्म का कुछ भाव हुआ। अब इसको समझने के लिए हम अब श्रीमद् भागवत में आ रहे हैं, बतला रहे हैं कर्मणि आरोह मानानं जन्म हत्यै सुखाय च पश्येत पाप विपर्यासं मिथुनी च। ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है जो कि दुख दूर हो जाए ऐसा नहीं चाहता और सुख नहीं चाहता। फिर से सुनिए, ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है जो सुख नहीं चाहता। ऐसा कोई है जो दुख नहीं चाहता, दुख चाहता हो, सभी सुख चाहते हैं, और सुख कैसा चाहते हैं जिसमें दुख मिला हुआ ना रहे, ऐसा सुख। इसीलिए हम सब कुछ कार्य करते हैं, जो कुछ भी कार्य करते हैं, आप लोग भी आपके पूर्वज लोग भारत को छोड़कर के इसीलिए आए होंगे, यहां पर सहज रूप में अपनी जीविका हम निर्वाह करके सुखी रह सकेंगे, इसीलिए तो आए। हम पढ़ते हैं, लिखते हैं, विवाह करते हैं, शादी करते हैं, वाणिज्य व्यवसाय करते हैं, बस सुख के लिए, दुख दूर हो जाए। किंतु अभी जो हो रहा है, जिस कार्य जिस रूप में हम लोग कर रहे हैं, सुख के लिए हम सब कर रहे हैं, बात ठीक है, किंतु हो क्या रहा, हमने साइंस की उन्नति की और साइंस ने ऐसा विज्ञान ने उन्नति की कि शरीर का एक पार्ट यदि हृदय सड़ गया तो दूसरे का हृदय आरोप कर सकते हैं, यहां कुछ गड़बड़ी हो गई तो इसको निकाल करके दूसरे का, आंख खराब हो गई दूसरे की आंख निकाल करके लगा लो। एक रसोई घर से लेकर ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन इत्यादि की इतनी उन्नति हुई कि हम एक देश से भारतवर्ष से यहां एक दिन के अंदर में 8-10 घंटे के अंदर में यहां पर आ सकते हैं, और वहां जो अभी क्रिकेट की खेल कहीं हो रहा है तो यहां पर बैठे बैठे देख करके यदि हमारा हमारी इच्छा वाला आदमी टीम जीत गई तो यहीं से बम फेंकना आरंभ कर देंगे, रात भर लोगों को सोने भी नहीं, यहीं से हम एक मिनट के अंदर में कहां कहां से हम बात कर लेंगे। ये तो हुई उन्नति, और भी रसोई की कितनी उन्नति हुई, पहले लकड़ी से लोग रसोई बनाते थे, धीरे 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 अब किसे बन रहा, गैस से बन रहा है, अब न जाने अब क्या चीज भी और भी हो जाए,
एक स्विच दबाओ, डाइनिंग रूम आ गया, इतने में सभा कक्ष आ गया, इसमें रसोई घर आ गया, इसमें दबाओ तो उसी में साथ ही साथ में बटन से तो पैखाने का रूम आ गया, सभी वहीं पर, घर में वहीं पर बैठे बैठे सब कुछ। किंतु हुआ क्या, बीमारियां कम हुई। कैंसर की बीमारी तो पहले नहीं सुना जाता था, बहुत कम। अब तो घर घर में कैंसर, टीबी, क्या क्या, आदमी जल्दी से बुढ़ापा होने लगे। स्त्रियां पहले जाता चक्की चलाती थी, अब उनको भी ब्लड प्रेशर होने लगा अधिक। पुरुषों में भी ऐसा, ये रोग भी नहीं दूर हुआ। रोग के लिए बहुत कंट्रोल कर रहे हैं, अस्पताल कॉलेज क्या क्या बन रहे, रिसर्च हो रहे हैं। एक और भी बड़ी बात हुई, जितना ये जड़ विज्ञान ने उन्नति की, इसका एक दुष्फल हुआ, ये जो हमारे अंदर में प्रेम थी सहज रूप में, स्वाभाविक रूप में, जिसे एक घर में 100 लोग पहले रहते थे, कंबाइंड फैमिली होती थी, चार भाई एक साथ में रहते थे, उनकी फैमिली टेमली सब, काका ताऊ ये सब एक साथ में रहते थे, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता था। आज चार भाई एक बाप के हैं तो बाप माता हैं और उसके बेटे सब जहां शादी हुई फुर रोड़े, माता पिता से कोई संबंध नहीं, और जो अलग हुए बात ठीक है, अच्छा अलग हो, छोटा परिवार सुखी परिवार कहते हैं, किंतु वो दुखी परिवार। किंतु ये देखिए, हम मानते उसको सुखी कब, जबकि पुरुष का पति का एक बैंक अकाउंट होता, स्त्री का अलग नहीं होता उसी में होता, बेटा बेटियों का भी अकाउंट उसमें होता। अच्छा अलग अलग अकाउंट क्यों, क्योंकि विश्वास नहीं। खूब गहराई से जाइए देखें, विश्वास नहीं है परस्पर, इसलिए बचपन से ही लड़का लड़की के नाम से अकाउंट खुल गया, क्योंकि पीछे नहीं जाने क्या होगा, विश्वास नहीं रहा, स्त्री के प्रति विश्वास नहीं। पाश्चात्य देशों में तो देखो जो दिन में चार बार तलाक होते हैं, किसका बेटा और बेटी है ये कोई पता ही नहीं है, किंतु हमारी वैदिक संस्कृति में ये सब चीजें नहीं थी। देखिए रामचंद्र जी ने सीता को छोड़ दिया, सीता ने राम को छोड़ा, राम ने भी नहीं छोड़ा, राजा ने किसी कारण से रानी को छोड़ दिया, सीता को राम ने नहीं छोड़ा। जब उनको छोड़ दिया था तो जंगल में रह करके सीता की भांति में वहीं पर बिना खाए पिए फल मूल लेकर के चटाई पर राजमहल में सोते थे और सोने की सीता जी की पूजा करते थे, तो ये छोड़ना हुआ। इसलिए ये सब भारतीय संस्कृति की चीजें हैं, ये सनातन धर्म के कुछ अंग हो सकते हैं। तो आज इस विज्ञान ने ऐसा किया कि परस्पर अब किसी को किसी के पर में विश्वास नहीं रहा, प्रीति नहीं रही। आज देखिए जैसे किसी को भी, यहां के प्रेसिडेंट को भी, हमारे देश के भी प्रेसिडेंट और किसी को ये विश्वास नहीं है किसी पर, दो दिन का वो और इसके बाद में न जाने कहां जाए, कौन उनको पूछेगा। इसलिए ये सब सनातन धर्म नहीं है, इसलिए कहते हैं कर्मण्यारहमानं दुःखत्ते सुखाय च पश्येत पाप विपर्यासं नित्यनिचारिणः। इस विज्ञान की उन्नति ने एक तरफ में तो हमारे शरीर के लिए कुछ फुदा की जो भूख थी शरीर की, इसको तो पूरा किया, किंतु आत्मा की भूख को खत्म कर दिया, आत्मा के गुणों को सर्वनाश कर दिया, प्रेम नाम की जो चीज थी उसको सदा के लिए जलांजलि दे दिया, प्रेम नहीं रहा। लोगों का परस्पर परस्पर जो प्रीति थी निष्कपट, वो नहीं। आज आप लोगों के गृहस्थों की बात क्या, जो सन्यासी और साधु जो सजे हुए हैं उनका भी परस्पर परस्पर कहां प्रीति है, कहां विश्वास है। इसलिए हमको खूब जड़ में जाना चाहिए, जब तक नहीं जानेंगे सनातन धर्म के जड़ में तब तक हम लोग इन चीजों को नहीं समझ सकते हैं। इसलिए यही विज्ञान यदि भगवान से संबंधित होता तो बहुत ही कल्याणकारी होता, किंतु ये नास्तिक विज्ञान, थोड़ा सा विज्ञान यदि और दो अंगुल बढ़ जाता, अभी तक तो शरीर के सुख लिए कर रहा है, यदि आत्मा को खोज पाता जे आत्मा क्या चीज है, पकड़ने की चेष्टा लोगों ने की,
कांच के कमरे में अब मरते हुए आदमी को रखा, ये क्या चीज है, कांच में थोड़ी सी चटक आ गई, कैसे निकल गया। ये किसी प्राणी में प्राण दे सकते हैं, ये विज्ञान नहीं दे सकता। इसलिए आत्मा अजर अमर है। हमारे भारतीय ऋषियों ने, महावैज्ञानिकों ने आत्मा का और परमात्मा का अनुसंधान किया, इसी का नाम है भक्ति योग। इसी के द्वारा, इस सनातन योग के द्वारा, सनातन धर्म के द्वारा हम समझ सकते हैं कि जितने विश्व में भी प्राणी हैं, हम सब भाई हैं, एक ही प्रभु से निकले हुए हैं। और हमारा धर्म क्या है, जीवेर स्वरूप है नित्य। यही चैतन्य महाप्रभु जी आज से 500 वर्ष पहले नित्यानंद प्रभु जी जगत में अवतरित होकर के इस संदेश को दिया। उन्हीं की लाइन में एक बहुत बड़े महात्मा हो गए अभी, उनका नाम था श्री भक्ति वेदांत स्वामी महाराज, जिनको प्रभुपाद लोग कहते थे। वो पाश्चात्य देशों में प्रचार करने के लिए ये सब वाणी जो सनातन धर्म की बांटने के लिए, देने के लिए, यहाँ पर भी हमारे पंजा पुंजा जी के घर पर वो पधारे थे, आप लोग उनको शायद जानते होंगे। वो इस वाणी को इस देशों में ले आए। हमारे भारतीय ऋषि लोग संस्कृत और दूसरी भाषाओं को जानते थे, इसलिए और उसी में संतुष्ट थे, इन देशों में नहीं आ सके। हमारे भारतवर्ष से बहुत से हिंदू लोग इधर में आए, किंतु धीरे 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 सनातन धर्म के इन मूलभूत रहस्य को नहीं समझ पाए। ये सनातन धर्म क्या है, इसलिए स्वामी जी आए, गीता भागवत अपने साथ उनके विचार लाए। हम लोग सब लोग उनके ऋणी हैं। उनके जाने के बाद में कुछ वह भाव शिथिल हो गया, कुछ लोग गलत रास्ते पर चलने लगे, उन्होंने हमसे पीछे संन्यास लिया, हमारे गुरु जी से ही उन्होंने संन्यास लिया। उनके गुरु जी और हमारे गुरु जी के गुरु एक थे, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी। वो इस देश में प्रचार करने के लिए सनातन धर्म का आए, इसके पहले भी लोग आए, किंतु इन रहस्यों को अच्छी तरह से न समझ करके जाति पाति और उसमें थोड़ा सा फंस गए। सनातन धर्म के तीन विचार ए सनातन धर्म में, एक तो है शुद्ध सनातन धर्म, एक नैमित्तिक सनातन धर्म और एक अनित्य सनातन धर्म। जिस धर्म में भगवान और भगवान की नित्यता स्वीकृत है, जो भगवान भी नित्य हैं, जीव भी नित्य हैं, और उनके प्रति प्रेम संबंध है, उस प्रेम के द्वारा, भक्ति के द्वारा भगवान को पाने के लिए जो चेष्टा करते हैं, वो नित्य धर्म सनातन धर्म वालों भी है। जो लोग भगवान के नित्य को, नित्यता को और जीव के नित्यता को भी सनातन दोनों को मानते हैं, किंतु किसी अनित्य उपाय से वर्णाश्रम धर्म के द्वारा या और किसी देवताओं की पूजा के द्वारा उस ब्रह्म को जानना चाहते हैं, ये सब नैमित्तिक धर्म है। और जिन धर्मों में आत्मा की नित्यता नहीं है, भगवान की नित्यता नहीं है, किसी की भी नित्यता नहीं, और देवता देवियों की पूजा के द्वारा, अन्य चीजों की पूजा के द्वारा, कहीं नाग की पूजा के द्वारा, कहीं कुछ भगवान को पाने की ये चेष्टा होती है, ये सब अनित्य धर्म है। इसीलिए कृष्ण ने कहा सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरण व्रज। ये सनातन धर्म, हम लोग इस सनातन धर्म के संबंध में गीता के तो कुछ हम नहीं बतलाए, तब एक चीज जरा बतलाना भूल गया, फिर उसको बतला दें। गीता के तीन विशेष भाव याद रखेंगे, एक है गुह्य, एक है गुह्यतर और एक है गुह्यतम, और उसके बाद में सर्व गुह्यतम उपदेश। गुह्यतर उपदेश क्या है, आत्मा नित्य है, गुह्य ये जीवन मन से ऊपर है,
इस चीज को समझो। इसलिए जो कुछ भी करो प्रभु के लिए करो। इसमें बतलाया गया नैनम छिदंति शास्त्राणी नैनम दहति पावक इत्यादि वंशास जीर्णानी जथा दिया, ये बतलाया गया। अब ये तो हुआ गुह्य। अब इस चीज को जान करके अनाशक्त हो करके अपने वर्णाश्रम धर्म इत्यादि का पालन करते हुए जीविका निर्वाह करते हुए तत्व ज्ञान के साथ में भगवान को जानने का नाम ये ब्रह्म ज्ञान कहलाता है। ये गुह्यतर ज्ञान जिसमें परमात्मा की उपासना होती है, उनका एक शरीर भी माना जाता है। कुछ लोग भगवान का शरीर नहीं मानते, ब्रह्म का शरीर नहीं मानते। वो कहते हैं कि भगवान का शरीर होने से तो उनका जन्म मरण हो जाएगा, जैसे कृष्ण का जन्म और मरण हुआ, राम का जन्म मरण हुआ। किंतु यह गलत बात। आज यदि उनका जन्म है तो वो कैसे शंख चक्र गदा पद्म लेकर के जन्म लेते हैं 16 वर्ष का? भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी चतुर्भुज रूप को देख करके हाथ जोड़ने लगे, किसी को चार भुजा वाला एक साथ में 16 वर्ष का बच्चा होता है। रामचंद्र सारी अयोध्या को लेकर के अपने शरीर से पुष्प विमान से चले गए अपने गोलोक में। कृष्ण अपने शरीर के साथ ही चले गए। जो बीस खाया मरा नहीं, आग खा लिया मरा नहीं, गोवर्धन पर्वत को एकदम उठा लिया, वो आदमी है, उसका जन्म हुआ। वो खंभे से निकल सकता है, वायु से निकल सकता है और फिर अपने शरीर को अंतर्ध्यान कर ले। ये आंखें उनको नहीं देख सकती है, पहले समझो। जो आत्मा को देख सकता है वही परमात्मा को, भगवान को देख सकता है, इसलिए उनका जन्म नहीं है। ये सब जो ज्ञान है ये परमात्म ज्ञान है। और इससे ऊपर वाला मनमना भव मद भक्तो, ये सबसे गुह्यतम ज्ञान है। ये क्या चीज है? कृष्ण ही स्वयं भगवान है, भगवत्ता की परम सीमा है। ही इज दी एब्सोल्यूट ट्रूथ, ही इज दी सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है। वह प्रेम का देवता है। उसका शरीर कैसा है? प्रेम का है। वो कभी जन्मता मरता नहीं, वो प्रेम ही प्रेम है। और अपने शक्ति के साथ में, वो कौन है? राधा जी है उनकी शक्ति। गीता में केवल कृष्ण तत्व बतलाया गया, जीव तत्व बतलाया गया, प्रेम तत्व बतलाया नहीं गया। इसलिए गीता में, गीता को कहते हैं भागवत, गीता को प्रारंभिक पुस्तक धर्म की, पहली पुस्तक क ख ग घ। और भागवत क्या है? PhD के ये पढ़ने वाली ये पुस्तक है, अंतिम सोपान की पुस्तक। उसमें प्रेम की व्याख्या है। वह पर ब्रह्म कृष्ण गोपियों का चरण पलोड़ता है जिस प्रेम के द्वारा, नंद बाबा की ज्योति को लेता है और अपने को कृतार्थ मानता है। रामचंद्र जी पर ब्रह्म हो करके किस प्रकार से जंगल जंगल में जो करके अब प्रेम जगत में करना सिखाए। विशेष करके कृष्ण जो है ये प्रेम की प्रतिमूर्ति हैं, अखिल रसामृत मूर्ति हैं। इस चीज को समझना चाहिए। जितने भी अवतार हैं सब इसी कृष्ण के ही अवतार हैं। समय अधिक नहीं है, एक दो दिन में इसकी व्याख्या नहीं की जा सकती। तो मैं यही कहूंगा कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं। डंके की चोट से व्यास जी ने, जिसने भागवत गीता लिखी उसी ने तो भागवत लिखी। उन्होंने वेदांत उपनिषद किए, वेदों के चार विभाग किए, फिर भी खुश ना रह सके। उन्होंने सबसे पहले वेदों का विभाग किया, इसलिए उनका नाम हो गया वेद व्यास। फिर उन्होंने सबको मिलाकर के सार लिखा, उसका नाम हुआ वेदांत दर्शन। वेदांत माने क्या है? वेदों का अंत, उसको कहते हैं वेदांत। वेदों का अंत क्या है? विष्णु ही परमम, विष्णु ही परम तत्व है। तो इस तरह से वेदांत भी लिखा और स्त्री शूद्र सब लोगों के लिए महाभारत की रचना की। उस महाभारत का एक अंश में, महाभारत में भीष्म पर्व के अंतर्गत में 18 पर्व वाला ये गीता है, ये महाभारत के अंतर्गत है। इसकी भी रचना हो गई, पुराणों की एक रचना की, 36 पुराण।
18 पुराण, 18 शाखा पुराण, 18 उप पुराण लिखे, सब लिख करके अपने आश्रम में कुटी में बैठे थे और दुखी थे, संतुष्ट नहीं थे। उसी समय में घूमते घामते नारद ऋषि जी आए। नारद जी ने कहा, अरे तुमने तो धर्म के समस्त ग्रंथों को लिखा, वेदों का विभाग किया, महाभारत की रचना की, वेदांत शास्त्र रचना की, पुराणों को प्रकाश किया, और तुम जगत के धर्म गुरु हो और तुम दुखी हो, क्यों क्यों दुखी है? प्रभु यही तो है, मैं रोगी हूं, मैं नहीं जान सकता, आप मेरे गुरु हैं, वैद्य हैं, आप जानते हो। रोगी अपना रोग का निर्णय नहीं कर सकता, रोग का निर्णय कौन करेगा? वैद्य करेगा। तो आप वैद्य हैं, संसार के वैद्य हैं, आप बतलाइए क्यों हुआ। उन्होंने कहा, जे तुमने संक्षेप में बतला रहा, तुमने सब कुछ किया किंतु भगवान श्री हरि का कौन है ये कौन है, और इनका अमल जो गुणानुवाद है ये तुमने कहीं नहीं लिखा। तुमने लिखा ये कृष्ण भगवान है तो नहीं, तो तुमने लिखा ये प्रेम के वश में हो जाते हैं, ये तो नहीं लिखा। गोपियों के चरण पलोटते हैं ये लिखा तो नहीं, तो गोपियों के ऋणी हैं ये लिखा तुमने तो नहीं, तो कृष्ण के लिए उनको तुम समझो और फिर उसको लिपिबद्ध करो, तुम्हारा जीवन सफल होगा। तुमने कैसे समझू? अरे भक्ति जो कहा अनुशीलन करो, भक्ति माने क्या? समर्पण करो, आत्मसमर्पण। इस विद्या के द्वारा, बुद्धि के द्वारा संसार में भगवान को नहीं जाना जा सकता, आत्मा को भी नहीं जाना जा सकता। ये आंखें तो अपनी आंखों को भी नहीं देख सकती, क्या हम दूसरों को देखेगी? इसलिए चीज को समझो, भक्ति योग माने आत्मसमर्पण को, हे प्रभु मैं कुछ नहीं जानता, आपकी कृपा से मैं आपको जान सकता। से ही जाने जे देह जनाई, जिसको आप कृपा करके जना देंगे वही जान सकता है, दूसरा नहीं। नहीं तो वह शरीर को ही सर्वस्व समझता है। इसलिए भक्ति योग का अवलंबन, इसके संबंध में हमारे ब्रह्मचारी जी आपको कुछ बतलाएंगे। अब बोलिए तो महाराज उनका, नारद ऋषि का और व्यास जी का उपाख्यान, और उसमें जो विशेष बातें हैं भक्ति योग की बातें, आप यहां पर खड़े होकर के या वहां पर बैठ करके भी बोल सकते हैं। आप लोग इतने आदमी आए, हमको बड़ी खुशी हो रही है, ये इतने आदमी आए, कल और लोगों को लेकर के आए। हम भारत के ये सनातन धर्म के संबंध में मूल जो बीती बातें हैं बहुत अच्छी तरह से हम आपको बतलाए। ये दे दो। अच्छा ठीक। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय सदालय, कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। सर्वप्रथम संक्षेप में बदलाना नहीं तो समुपस्थित 9 बज गया है, 9:30 बजे अष्ट कोटि जन्म प्रणति ज्ञापन करता हूँ। अनंतर उपस्थित पूज्य वैष्णव वृंद, समस्त सज्जनों, माताएं एवं बहनों, सबको मेरा यथायुक्त प्रणाम। अभी अभी आपने परमारथ श्री महाराज के उधार बिंद से अमृतमयी वाणी का श्रवण किया है, जिसमें सनातन धर्म के विषय हमारे गीता भागवत का जो संदेश है, जो सार तात्पर्य है, सार निष्कर्ष पर श्रीमद कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी सारगर्भित वचन को करते कहते उन्होंने श्रीमद भागवत की रचना की। अभी अभी आपने श्रवण किया है श्रीमद कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जो पराशर ऋषि के पुत्र हैं, उन्होंने सर्वप्रथम वेदों को विभाग किया, ऋग साम यजु अथर्व, उसके पश्चात आयुर्वेद, औषधि विद्या, धनुर्वेद, अस्त्र विद्या, गंधर्व वेद, संगीत विद्या और शिल्पकला, साहित्य शिल्पकला, इस प्रकार के चार उपवेद भी बनाए।
वेदों के 6 अंग शिक्षा कल्प व्याकरण छंद ज्योतिष और निरुक्त 6 अंगों को उन्होंने बनाया। वेदों का सार संकलन करते हुए उन्होंने 1180 उपनिषदें बनाई, फिर उसका सूत्र करते हुए संक्षिप्त रूप 550 सूत्रों में वेदांत सूत्र की रचना की। और वेदों को वेदों में जो समस्त विषय वर्णन है उनको प्रांजल रूप से और सबको अधिकार देते हुए कि सभी लोग सहज रूप में पढ़ सके, इसलिए वेदों के पूरक हेतु पुराण शास्त्र को बनाया, जिसमें सात्विक राशि तामसिक पुराण आया और समस्त प्रकार के देवी देवताओं की उपासना का विषय वर्णन हुआ है। और संसार में रहते हुए मानव समाज को किस प्रकार अर्थ की प्राप्ति होगी, किस प्रकार हम संसार में प्रेम पूर्वक रह सके, इसलिए वर्ण व्यवस्था सुचारू रूप से बनाने के लिए श्री व्यास जी ने इन पुराणों में लिखा। इसी प्रकार संसार में रहते हुए भौतिक सुख संपदा को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, जब मानव समाज यह देखे कि इसमें कभी कदापि शांति नहीं, तब इससे ऊपर उठकर मोक्ष की ओर जाते, त्याग के पद पर जाते कि मुक्ति का अनुसंधान करें, इसलिए उन्होंने समस्त शास्त्रों की रचना की। साधारण लोगों के लिए गल्प गुजब के माध्यम से कहानियों के रूप में महाभारत की भी रचना की। आपने श्रवण किया श्रीमद् महाभागवत में, महाभारत में अनमोल संदेश श्रीमद् भगवत गीता का उपदेश आया। इसी प्रकार कैसे भी भगवान के चरणों में चित्त लगे, इसलिए धीरे धीरे जीवों को आगे बढ़ाया, फिर भी उनके मन में कुछ अतृप्ति बनी रही, कुछ अभाव, वह क्या है? जब तक जब विशुद्ध प्रेम धर्म में, भक्ति धर्म में, आत्म धर्म में प्रतिष्ठित नहीं होता है, तब तक न तो संसार के भौतिक संपदा सुखों से शांति है और ना ही मुक्ति में शांति है। क्यों? मुक्ति भी एक अज्ञान कृत है और उसमें कोई आधार नहीं बनता है। किसको आधार करके जिएंगे, कहां पहुंचेंगे, क्या करेंगे? इसलिए व्यास जी बैठे हुए हैं, ऐसे समय से नारद जी महाराज आए। व्यास जी ने उनका आदर सत्कार किया, पूजा अर्चना की और नारद जी उनके मन के भाव भाव को भाव के समझ गए कि मन में कुछ खेद भरा हुआ, कुछ विषण्ण चित्त होकर के बैठे हुए। व्यास जी ने अपनी बातें कही, बोले कि आप सर्वत्र पृथ्वी के बाहर भीतर भ्रमण करते हैं और सबके अंतर्यामी सूत्र से हृदय की भावना को जानते हैं। सूर्य बाहर को प्रकाश देते हैं परंतु भीतर को नहीं, और आप बाहर और भीतर सबको प्रकाश देने वाले, आप हमारे बाहर को जानते हैं। कृपया बतलाइए हमारे अंदर क्या कमी है, कौन चीज की कमी रही जो हमें करना है। तब श्री नारद जी महाराज बोले कि भवतानुदिताम प्रायो जसो भगवतो मम, भगवान के अमर जस, भगवान की गुण गाथाओं का वर्णन जो कि वेदों का सार है, प्रणव गायत्री, और उसका जो मुख्य बीज है ओम, ओम की आपने व्याख्या यथार्थ रूप में दी है। आपने तो अपने पुराण में कह दिया केचित ब्रह्मा केचित विष्णु केचित अग्नि केचित शिव, कोई ब्रह्मा की गायत्री मंत्र के द्वारा उपासना करते हैं तो कोई शिव की और कोई विष्णु की और कोई देवी की, परंतु गायंतम त्रायते जस्मा इति गायत्री, गायन करने वालों को त्राण करती है इसलिए तो गायत्री। उस गायत्री का असल तात्पर्य क्या है, जो कि श्रीमद् भागवत है, अर्थोऽयं ब्रह्म सूत्राणां भारतार्थ विनेन्द्र, गायत्री भाष्य रूप
वेदार्थ परिप्रेरित। ब्रह्म सूत्र का अर्थ है श्रीमदाचार्य, महाभारत का तात्पर्य निर्णय, वेदों का अर्थ विस्तृत हुआ है और गायत्री का भाष्य है श्रीमदभागवत। श्रीमदभागवत में आप भगवान की लीला कथाओं का वर्णन करें, उनकी भक्ति की महिमा का आप वर्णन करें, भक्तों के जीवन चरित्र कैसे भक्तों ने अपना जीवन सर्वस्व समर्पण किया और कैसे प्रभु की सेवा के लिए नुछावर किए, अब प्रभु ने अपने प्रेम के द्वारा कैसे उनकी वस्तुता को स्वीकार की, और बीच में है भक्त और भगवान के बीच में है भक्ति जो दोनों को जोड़ है, उस भक्ति के जो चरम उत्कर्षता इसका आप वर्णन करें। जब आपके मन में शांति हो, संसार में रहते हुए स्वप्न मात्र संसार कर्म मार्ग में बाधा हतर नौ निवास पदम, समुद्र में आंधे तूफान उठा है और नाव चल रही है तो तूफान में वो नाव समुद्र में डूबी है, ऐसी स्थिति हम सबके इस संसार में भौतिक सुखों की ओर बढ़ते हुए कर्म मार्ग में कदापि शांति नहीं। बड़ा सम धर्म, लोक धर्म, समाज धर्म, देश धर्म को लेकर के हम चल रहे हैं, पर तो ये आधार कहां है? इसलिए हमें वह आधारशिला भगवान श्री कृष्ण है जिनको आश्रय करके हम सभी एक सूत्र में बांध सकते हैं और बंध करके हम उन्हीं की ओर चल सकते हैं, यही शास्त्र का नियम है। फिर आगे चलो, जिनने संसार धर्म पालन किया उनको क्या मिला और जिन्होंने नहीं किया तो उनको क्या बुराई थी, और जो भजन करते रहे प्रभु का नाम लिया, घोर संसार में विपत्ति में फंस करके कोई उपाय नहीं प्रभु का नाम कीर्तन करता है, समस्त जनताओं का पाप ताप दुख कष्ट सब कुछ इसी से दूर होता। इसलिए श्री नारद जी महाराज अपने जीवन चरित्र को कहते हैं कि मेरे पहले दासी पुत्र था, ऐसे ऋषियों की सभा हो रही थी, चार महीने के लिए एक मंदिर में आए हुए थे और कथाएं चल रही थी, मेरे पास में कुछ प्रसाद ऋषियों के जूठन प्रसाद हमें खिला दे तो मुझे खेलना कूदना और चंचलता करना बाहर में घूमना फिरना ये सब छूट गया, ऋषियों की सभा में बैठ करके सुनने लगा। धीरे धीरे सुनते सुनते कुछ समझ में आने लगा तो मेरे अंदर एक अपूर्व भाव आने लगा, और ऋषि लोग जब गए तो उस समय मुझे एक मंत्र दिया, कहा कि इस मंत्र को विधिवत जप करना, तो मैंने उनकी आज्ञा का पालन करते हुए मंत्र का जप किया। करते करते एक दिन बड़ी उत्कंठा आई, मैं एक घना घोर जंगल में चला गया कि प्रभु का दर्शन मुझे मिल जाए। इस प्रकार होते विरते प्रभु से मैंने प्रार्थना की तो ध्यानस्थ होकर के देखा प्रभु मेरे ध्यान में धीरे धीरे आने, जब आंखें खोल करके देखी कि प्रभु हमारे सामने विराज दिव्य शंख चक्र गदा पद्म लेकर के चतुर्भुज रूप में विराजमान हो गए, उस समय मैंने प्रभु से प्रार्थना की, स्तुति की, तो भगवान ने बड़े प्रसन्न होकर के कहा नारद इस जन्म में उस समय की प्रतीक्षा करो, सदैव संतों की सेवा करो और मेरे नामों का कीर्तन करो, करते करते वह समय उपस्थित होगा कि इस शरीर को छोड़कर दिव्य तेजमय स्वरूप में मेरे धाम में पहुंच जाओ, मेरे परिकर बन जाओ। मैंने उस समय प्रभु को प्रणाम किया और तब से अहंकार अभिमान को छोड़ करके प्रभु के प्रिय नामों का कीर्तन करने लगा और समय की प्रतीक्षा करने लगा। देखा कि एक समय वही हुआ कि यह शरीर यहीं पड़ा रहा, दिव्य तेजमय स्वरूप में मैं प्रभु के लोक में चला गया और प्रभु का प्रिय परिकर होकर के वहीं पर दिव्य सुख, दिव्य आनंद, दिव्य प्रेम का अनुभव किया।
पर नहीं रहा। जब ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की मानस पुत्र के रूप में मैं आया, ब्रह्मांड के बाहर भीतर सर्वत्र मैं भ्रमण करता हूँ, जहाँ कहीं जाता हूँ बिना बजा के मैं प्रभु के नामों का कीर्तन करता हूँ, तो भगवान वही प्रकट हो जाते हैं। आहुत जीव में दर्शनम जाते, बिना निमंत्रण के ही वे दर्शन दे देते हैं, मैं उन्हीं के पास सदैव। इसलिए हे ब्रह्मा, हे वैश्विक जमा ही योग पथई, योग साधना में संयम जम नियम आसन प्राणायाम ध्यान धारणा समाधि के द्वारा चित्त को एकाग्र करते हैं। जब तक भगवान मुकुंद में, भगवान श्री कृष्ण में चित्त नहीं लगे, तब तक कदापि स्थिर नहीं हो सकता, इसलिए शांति भी नहीं। अतएव इस संसार में एक धातुर चित्त, संसार में भी जी बड़े दुखी है, कष्ट पा रहे, मात्र स्पर्श छया मोहू, सुख दुख लाभा लाभ जय पराजय मान अपमान जस अपजस, इन सब के द्वारा हमेशा कष्ट को भोग रहे। ये सबसे निष्कृति पाने का उपाय हरिचर्या वर्णनम, भगवान श्री हरि के गुणों का वर्णन, उनके नामों का कीर्तन, उनके लीला कथाओं का श्रवण। मुकुंद से होया जगवत तथा धात्मा न सांपति, भगवान मुकुंद की सेवा के द्वारा जैसे आत्मा की शांति होती है, पर किसी भी प्रकार से आत्मा की शांति नहीं हो सकती। इसलिए आप समाधि में श्रीमद् भागवत पुराण महापुराण का दर्शन करें, श्रीमद् भागवत और पुराणों को देखें, तो उसमें केवल पुराण शब्द आया, श्रीमद् भागवत महापुराण श्री शब्द से जुड़ा हुआ है। श्री माने लक्ष्मी, श्री सरस्वती, श्री भक्ति, श्री प्रेम, श्री माने श्री राधा, उनके साथ में संबंधित है ये श्रीमद् भागवत। इस श्रीमद् भागवत के अधिष्ठात्री देवी है श्री राधा, पर उन्हीं से ही प्रकाशित हुआ है, इसलिए मंत्र के देवता हैं श्रीमद् भागवत के देवता श्री राधा जी को कहा गया, और श्रीमद् भागवत के ऋषि कौन हैं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण, जिन्होंने सर्वप्रथम ब्रह्मा जी को उपदेश किया। ब्रह्मा जी ने उस श्रीमद् भागवत ज्ञान को प्राप्त कर श्री नारद जी को दिया, श्री नारद जी ने व्यास जी को दिया, व्यास जी ने भक्ति योग समाधि के द्वारा भगवान के लीला करी, और जीवों का जो संसार, इस संसार बंधन से छुटकारा पाने का उपाय श्रीमद् भागवत महापुराण को उन्होंने दर्शन किया। अनर्थ पशुवं साक्षात भक्ति योग अधोश्चर्य, समस्त प्रकार का अनर्थ दूर होता है, संसार का बंधन छूट जाता है, साक्षात रूप में प्रभु के चरणों में भक्ति हो जाती है, भक्ति भी जिसका श्रवण करने से जस्याम वही श्रेय माराया कृष्ण परम पुरुषे, परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण ने भक्ति उत्पद्यते पुंसः शोक मोह भयापह, समस्त प्रकार शोक मोह भय संशय सब कुछ दूर हो जाता है श्रीमद् भागवत के श्रवण करने से। इसलिए यह श्रीमद् भागवत जो है गायत्री का भाष्य है, वेदों के भाष्यकार शायणाचार्य हुए, उन्होंने भी इस चार वेदों में जो गायत्री का वर्णन हुआ है, इस गायत्री की व्याख्या में परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण का निरूपण किया है, और उनकी स्वरूप शक्ति जो सर्वश्रेष्ठ तेज है उन्हीं का वर्णन करते हुए श्री राधा जी को निरूपण किया है। इसलिए श्रीमद् भागवत जो है शब्द ब्रह्म बपुर गधत, भगवान श्री कृष्ण स्वयं शब्दावतार के रूप में प्रकट हुए हैं, 18,000 श्लोक, ये अष्टादशाक्षर कृष्ण मंत्र 18 अक्षर कृष्ण मंत्र का स्वरूप है, 335
12 स्कंद 12वें स्कंद इनके हैं, साक्षात भगवान का स्वरूप है। इसलिए कहा है तमादि देवम करुणा निधानम तमाद वर्णम सुहृदावतार अपार संसार समुद्र से तुम भजामहे भागवत स्वरूप। इस अपार संसार समुद्र का जो सेतु है पार करने का एकमात्र उपाय स्वरूप जो करुणा आह पुराण गुरी वैसे सुनो जो कि वैस नंदन से सुदेव जी करुणा पूर्वक हम सब के उद्धार के लिए जो पुराण गुरी अति सर्वश्रेष्ठतम जो पुराण श्रीमद भागवत महापुराण का वर्णन किया है जिसमें भगवान के लीलाचरित का कीर्तन हुआ है। इसलिए हम सभी लोग श्रद्धा पूर्वक श्रीमद भागवत का श्रवण करें, इसमें विश्व शांति, इसमें ही विश्व कल्याण, समस्त प्राणियों में दया और भगवान में भक्ति, बस यही समस्त धर्मों का सार। इसलिए श्रीमद भागवत में इस सनातन धर्म भागवत धर्म आत्म धर्म प्रेम धर्म का विषय कीर्तन किया है। हम इन्हीं कथाओं का आगे चल करके और कुछ प्रसंगों में वर्णन करेंगे। आप सभी लोग श्रील महाराज जी के मुखार बिंद से अमृतमयी वाणी का श्रवण करेंगे, हमारी भूल त्रुटि के लिए क्षमा करेंगे। It will be further translated into English, so you should not be unhappy. We will try, but आज कुछ समय अधिक हो गया, 9:30 बजने जा रहे हैं। आज हम लोगों ने आरंभ किया किंतु हमको खुशी हुई जी इतने आदमी आए और सुन रहे हैं, और तनिक भी किसी को अरुचि पैदा नहीं हुई, ये बड़े आनंद की बात है। बड़े ध्यान से आप लोग सुन रहे हैं, यही सनातन धर्म का पहला ग्रंथ। यद्यपि वेद इत्यादि हैं किंतु उसमें शुद्ध रूप से बातें नहीं की गई, उसमें कर्म कांड ज्ञान कांड योग तपस्या और सब देवताओं की उपासना इत्यादि सभी सम्मिलित है। उसका सार मंथन करके ये गीता पहली पुस्तक बनी सनातन धर्म की व्यास जी ने, और इसकी अंतिम पुस्तक बनी ये श्रीमद् भागवत। ये सनातन धर्म का विश्व में पता का फर है। यदि भारतवर्ष में वेद भी रहते, उपनिषद भी रहते, गीता भी रहती, पुराण भी रहते, तो कुछ अभाव था, जैसे कि आप लोगों ने सुना। भागवत ने उसको परिपूर्ण किया, इसलिए भागवत में प्रेम धर्म का वर्णन है। हम इसी प्रेम धर्म का वर्णन करेंगे, यही प्रेम सनातन धर्म है। यह भगवान के प्रति रहेगा, समस्त जीवों के प्रति, प्राणियों के प्रति प्रीति रहेगी, ये है सनातन धर्म। इसका कभी विनाश नहीं होता। शरीर बदल जाए, जगत बदल जाए, कोई भी बात नहीं, इस चीज को समझने की चेष्टा करेंगे। इसमें विद्वेष की कहीं भावना नहीं है, यह मेरा है ये तुम्हारा है ऐसा कहीं नहीं इसमें है, यह हमारा देश है ये तुम्हारा देश है, ये हमारा धर्म है ये तुम्हारा धर्म नहीं, एक ही धर्म है प्रेम धर्म। इसी चीज की हम लोग आगे कल परसों यहाँ पर व्याख्या करेंगे, फिर यहाँ से हम लोग सुबह में जा रहे हैं, वहां से फिर और जगहों में जाएंगे, फिर वहां से लौटेंगे तो हम लोग फिर यहीं पर लाटोका में हम लोग 4-5 दिन 6 दिन 7 दिन आप लोगों की जैसी रुचि देखेंगे वैसा ही हम व्यवस्था करेंगे। और बड़ी सुंदर सुंदर भगवान की कथाएं ऐसे जो सरल सहज रूप में बोधगम्य भाषा में सभी लोग इस चीज को समझें, हम लोग समझाने की चेष्टा करें। बस यही आप लोगों की प्रीति हमारे प्रति बनी रहे, और हमारे बातों को सुनेंगे, जो नहीं समझ में आए आप शंका करेंगे, आप पूछेंगे। हमारा भारत का सनातन धर्म ऐसा है, परिप्रश्न, कोई शंका हुई तभी उसको दबा दो, नहीं तो गला काट देंगे। ये क्रिश्चियन की धर्म नहीं है, मुस्लिम धर्म नहीं है, इसमें हम तरह तरह की शंकाएं कर सकते हैं। अर्जुन ने गीता में कितने प्रश्न किए, रामायण में हमारी उमा देवी ने शंकर जी से कैसे कैसे प्रश्न किए हैं,
इसलिए प्रश्न करना बुरा नहीं है समझने के लिए, किंतु परिप्रश्न श्रद्धा से प्रश्न हो, वाद विवाद के लिए नहीं, फिर तो झगड़ा हो जाएगा। संत लोग इन झगड़ों से विवादों से अलग रहते हैं, उनको क्या गरज है, कोई स्वार्थ तो नहीं है। हम यहाँ तो किसी स्वार्थ के लिए नहीं आए, आपके पैसा कौड़ी के लिए हम नहीं आए, ये तो हमारे देश में हमको मिल जाता है, एक रोटी का सवाल है, एक कपड़े का, ये तो अपने आप हो जाता है। हम अपनी संपत्ति देने के लिए आए हैं, जिस संपत्ति को आप थोड़ा सा भी पाकर के अपना जीवन सुखमय और शांतिमय हो जाएगा, जो करोड़ डॉलरों से नहीं होगा, हम उस संपत्ति को आप लोगों को देने के लिए आए, इसलिए उसको ध्यान पूर्वक सुने। आज यही हम समाप्त करते हैं, कीर्तन के बाद में समाप्त करेंगे, कल यदि आप लोग और आगे आ जाएं तो जल्दी से हम लोग 9:30 बजे तक हम खत्म कर सके, तो 2-4 बातें और हम कर सके। गौ प्रेमान न Yeah।
Is that what he meant? Yeah, so they're not really your brothers, actually, they're more enemies than demons.